अरे वाह, कितना अच्छा है, अध्यक्ष और सचिव दीदी दोनों ही यहीं मिल गए। अच्छा बताओ क्या बात है, आज तुम दोनों इधर कैसे? अरे बालू दीदी को उत्पादक समूह के बारे जानकारी लेना था, इसलिए हम लोग आए। पूछो पूछो, क्या पूछना है? अच्छा दीदी, हमें ये बताइए उत्पादक समूह से जुड़ने के लिए क्या जरूरी है और क्या नियम है इसके? उत्पादक समूह में जुड़ने के लिए वहाँ का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। दीदी आपके पास ऐसे आधार कार्ड तो होगा ना? जी हाँ है मेरे पास आधार कार्ड। क्या आधार नहीं रहने से हम नहीं जुड़ पाएंगे क्या? नहीं नहीं, स्थानीय निवासी होना जरूरी है। अगर आधार नहीं है तो राशन कार्ड में तो आपका नाम होगा ना? अच्छा। और दीदी उत्पादक समूह में जुड़ने के लिए स्वयं सहायता समूह की सदस्य होना चाहिए, उसे किसान भी होना चाहिए। और एक बात दीदी, हर घर से एक ही दीदी उत्पादक समूह की सदस्य बन सकती है या जुड़ सकती है। उत्पादक समूह का गठन में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि हर वर्ग और समुदाय के लोग इसमें जुड़े। उत्पादक समूह में जुड़ने के लिए खेतीबाड़ी, पशुपालन से जुड़ा होना चाहिए, जैसे मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय पालन, और वन उपज से जुड़ा होना चाहिए, जैसे लाह, इमली इत्यादि। अच्छा दीदी, उत्पादक समूह में जुड़ने के लिए पैसा भी जमा करना पड़ता है? हाँ दीदी, उत्पादक समूह से जुड़कर हम उत्पादक कंपनी के भी सदस्य बनते हैं, यानी कि कंपनी के लाभ में हिस्सेदार। और हाँ, ये पैसा सिर्फ एक बार जमा करना पड़ता है। अब हमें समझ में आ गया कि उत्पादक समूह से जुड़ने के लिए क्या क्या शर्तें हैं और इसमें कौन कौन जुड़ सकते हैं। दीदी थोड़ा विस्तार से हमें बताइए कि इसका गठन कैसे किया जाता है और इसका पूरे प्रक्रिया क्या है? उत्पादक समूह का गठन चरणबद्ध तरीके से किया जाता है, यानी इस गठन के दौरान कई काम किए जाते हैं। जिस गांव में उत्पादक समूह का गठन होना है उस गांव के ग्राम संगठन में अध्यक्ष दीदी इस उत्पादक समूह के बारे में चर्चा करती है, साथ ही स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को भी उत्पादक समूह के बारे में बतलाया जाता है और पंचायत के सदस्यों को भी इसकी उपयोगिता के बारे में बतलाया जाता है। इसके बाद सभी दीदी बैठक में चर्चा करती है और उत्पादक समूह में जुड़ने की इच्छा रखती है, इसे हम फॉर्मिंग कहते हैं। इसके बाद की प्रक्रिया को स्टॉर्मिंग कहते हैं, जिसमें सारी सदस्य आपस में बैठक करके अपनी आजीविका से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा करती है और इसके आधार पर उत्पादक समूह का उद्देश्य निर्धारण किया जाता है और फिर समूह की गतिविधियों को शुरू करना शामिल होता है। समूह में सारे सदस्य अच्छी तरीके से काम कर पाए इसके लिए AKM, ABM और APS सदस्यों को सही ढंग से ट्रेनिंग देते हैं ताकि नई नई जो तकनीकी आती हैं उस पर वे लोग काम कर पाए। इस प्रक्रिया को डेवलपमेंट कहते हैं। और इसके बाद समूह जिस उद्देश्य से उसका गठन किया गया था उस पर काम करती है और इस प्रक्रिया को परफॉर्मिंग कहते हैं। अरे वाह दीदी, समूह का गठन तो बहुत सोच विचार करके किया जाता है। बिल्कुल।